हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी चटपटी मसालेदार भरवा भिंडी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। भरवा भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम भिंडी ली है, जिसे मैंने अच्छे से धो के कपड़े से सुखा लिया है। अब हम इसको भरने के लिए सबसे पहले दोनों साइड्स कट करेंगे और उसके बाद बीच से इसको ऐसे चीरा लगाएंगे, यानी कि काटेंगे, लेकिन भिंडी को पूरी तरह अलग नहीं करेंगे। बस इतना चीरा देंगे कि इसके बीच में हम मसाला भर सकें। और इसी तरीके से हम अपनी सारी भिंडी को काटेंगे। ये देखिए, दोनों साइड हटा के बीच से कट किया। आधा कट करना है ताकि भिंडी आर पार चाकू ना जाए, भिंडी के बस मसाला भरने लायक हो जाए। सभी भिंडी को मैंने ऐसे काट लिया है बीच से, इस तरीके से। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे जो हमें इस भिंडी में भरना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 चम्मच पिसा धनिया, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच सौंफ का पाउडर। ये मैंने खड़ी सौंफ को तवे पे अच्छे से भून के और मिक्सी में पीस लिया हुआ है। इसको मैं मिलाऊंगी 1/2 चम्मच और इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला सारा मिक्स हो गया आपस में। अब बस सिंपली हमें इस भिंडी को लेना है और इसको इस तरीके से चम्मच की मदद से हमें इसके बीच में अच्छे से फिल करना है। ये देखिए, इस तरीके से हम सभी भिंडियों में मसाला भरेंगे। हल्का सा इसको ओपन करेंगे, यानी खोलेंगे भिंडी को, और इसके बीच में मसाला डालते हुए इसे बंद कर देंगे। ये भिंडी खाने में भरवा भिंडी बहुत अच्छी लगती है और इतनी जल्दी बनती है और इतनी आसान रेसिपी है। तो जब तक मैं भिंडियों में मसाला भर रही हूँ, तब तक आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी भिंडियों में मसाला अच्छे से भर दिया गया है। बस अब हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में हम 3 से 4 चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें भरी हुई भिंडियों को डाल देंगे। ये भरवा भिंडी खाने में बहुत अच्छी लगती है, चटपटी होती है। जो भी मसाला आपकी प्लेट में बचा हो उसे भी आप इसमें कढ़ाई में पलट दीजिए और हल्के हाथों से नीचे से उठाते हुए भिंडियों को पलटिए इस तरीके से, ताकि सारी भिंडियाँ ऑयल में अच्छे से रैप हो जाएं, मतलब मिक्स हो जाएं, और मसाला भी ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब बस अब हम गैस का फ्लेम करेंगे लो टू मीडियम। अब ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको किसी भी ढक्कन से या लेट से कवर करेंगे। पूरी तरह मत कवर करिए, हल्का सा खुला छोड़िएगा, नहीं तो क्या होता है, जो भिंडी होती है ना वो थोड़ी सी स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी सी, और फ्लेम को हम लो पे कर देंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पकने दें और 2 से 3 मिनट बाद हम वापस इसको हिलाएंगे। भरवा भिंडी को बनाते वक्त हमें बीच बीच में इसे हिलाते ज़रूर रहना है। 2 से 3 मिनट हो गया है, अब हम ढक्कन हटा के वापस से भिंडी को हिलाएंगे, क्योंकि अगर आप भिंडी हिलाएंगे नहीं तो एक तरफ से तो भिंडी अच्छे से पक जाएगी, दूसरी तरफ से कच्ची रह जाएगी। ये देखिए, जो साइड हमने पलटा है उसके थोड़ा सा ही कलर चेंज होने लग गया है। बस वापस हम इसे कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम लेड हटा के ढक्कन हटा के देखते हैं। ये देखिए, भिंडी ने कलर चेंज कर दिया है। भिंडी को अपने हिसाब से भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हिलाते रहिएगा ताकि भिंडी हर तरफ से इक्वली पके। तो बस अब इसको इसी तरीके से थोड़ी देर और भूनते हैं और इसे पकने देते हैं। और ये देखिए, भिंडी हमारी एकदम तैयार है, मसालेदार, एकदम चटपटी और कुरकुरी, और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होगी। इस रेसिपी को घर पे जरूर बनाइएगा। अब बस गैस का फ्लेम बंद करेंगे और आपकी मसालेदार भरवा भिंडी एकदम तैयार है। इसे आप रोटी के साथ, लच्छा पराठा, नान, तंदूरी रोटी किसी के साथ भी खाइए, ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा कि ये भिंडी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले रेसिपी में। बाय।